शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये भोजन हमने अपने हाथों से बनाया है, खास आपके लिए। थोड़ा सा खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। अगर चंद्रलेखा अपने हाथों से भोजन बनाती आपके लिए, तो आप क्या मना कर देते? हमने अपने हाथों से बनाया है, कम से कम थोड़ी खीर ही खा लीजिए। अब क्या करूं? अगर अतराज को वो बूढ़ी औरत नहीं मिली तो उन्हें संदेह हो जाएगा मुझ पर। हे अंबिमा, अब तुम्हें ही बचा सकती हो मुझे। कहाँ है वो औरत? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं यहां हूं राजा साहब। प्रणाम काकी। प्रणाम। ये लीजिए, ये आपके लिए। और किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बेझिझक बता दीजिएगा। बस इतना काफी है मेरे लिए। इस भोजन के लिए आप दोनों का धन्यवाद। तेरा भला हो बेटा। मैंने तो झूठ बोला था, फिर ये औरत कहाँ से आई? जो भी हो, मुझे उन्हें ये विषैली भोजन खाने से रोकना होगा। रुकिए। हे अंबिमा, आपकी लीला अपरंपार है। ये तो रानी सुनैना है, लेकिन वो यहां कैसे हो सकती है? उसे तो कारावास में होना चाहिए था। रुको। अब सर द्वार खोलिए, मैं रानी साहिब के लिए कुछ लेकर आई हूँ। तुम अभी उनसे नहीं मिल सकती हो। हमें आदेश दिया गया है कि कोई भी रात के समय कैदियों से ना मिले। बस थोड़ी देर की बात है। नहीं, तुम्हें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मेरे साथ साथ कनक भी मुसीबत में फंस जाएगी। कुछ तो गड़बड़ है,
मुझे अभी जाकर निशा किनी को बताना पड़ेगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? एक बार फिर आप असफल हो गई तो क्या हुआ? अगली बार आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब भी आसान नहीं लग रहा है स्वराज। हमारी कोशिशें बार बार नाकाम हो रही है, साथ ही साथ हमारी शक्तियां भी कम होते जा रही। जब तक हम अधिराज को मारकर निशाकनी नहीं बन जाते, तब तक हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सही ढंग से करना होगा। मुझे लगता है सुनैना कारावास में नहीं है। क्या? हाँ, शायद वो दासी के भेष में महल में ही घूम रही थी। राजा साहब क्षमा कीजिएगा, बहुत आवश्यक बात थी इसलिए आना पड़ा। बाहर एक बूढ़ी औरत भूख से तड़प रही है, उसे भोजन चाहिए। अब समझी, वो दासी उस बुढ़िया को भोजन देने के लिए इतनी क्यों जिद कर रही थी? ताकि अधिराज वो भोजन ना खा सके। ये बात हमें क्यों नहीं समझ आई? अब कहाँ है वो? वो तो वापस कारावास में जाना चाह रही थी, पर सैनिकों ने उसे रोक लिया है। अभी सारा सच सामने आ जाएगा। चलो। ए लड़की, चेहरा दिखाओ। हम जानते हैं तू सुनैना नहीं है, जाकर देखो। जी सैनिक। आज उस सुनैना के साथ तू भी मारी जाएगी। क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी ना? वैसे मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और उतना ही अच्छा सपना भी देखा मैंने। मैंने देखा कि तुम अपने कार्य में फिर से सफल हो गई। ज्यादा चतुर बनने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं दासी बनकर महल में तुम ही घूम रही थी, लेकिन सवाल यह है कि तुम यहां वापस आई कैसे? अब मैं अंदर कैसे जाऊं? अगर मैं यहीं खड़ी रही तो निश्चित रूप से कोई ना कोई पहचान लेगा मुझे। ये लोग संदूक को कारावास के अंदर लेकर जा रहे हैं। अगर मैं इस संदूक के अंदर छिप गई तो मैं कारावास के अंदर जा सकती हूँ। रुकिए, आपको कोई वहां बुला रहा है। ठीक है। ये दासी कहां गई? क्या बाहर? नहीं तो मैं तो कब से कारावास के अंदर हूं।
तुम भूल गई क्या? जब से तुमने और इस विश्वासघाती ने मिलकर मुझे इस कारावास में भेजा है, वैसे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, मुझे इस तरह कारावास में देखकर। फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं फिर से अपने खेल में असफल तो नहीं हो गई? खेल तो तुमने भी अच्छा खेला, लेकिन एक बात याद रखना, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी हार लेकर आएगा। कल तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और दंड देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा जन्म जन्म का साथी, तुम्हारा प्यारा अधिराज होगा। अधिराज। एक कहावत है, होई है वही जो राम रचित रखा, यानी कि तुम जैसे शैतानों के चाहने से कुछ नहीं होगा, कल भी वही होगा जो भगवान चाहेंगे। अपराधी को दरबार में पेश किया जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रानी सुनैना के ऊपर महारानी साहिब की हत्या का आरोप है। इन्होंने राजा साहिब की मां की हत्या की है। हाँ हाँ, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हत्यारण है ये, हत्यारण। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हत्यारण है ये, हत्यारण। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। दया कीजिए राजा साहब। दया कीजिए महाराज। दया कीजिए। दया कीजिए। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। दया कीजिए महाराज। दया कीजिए। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। अपने राजा साहब पे भरोसा रखिए और उनके न्याय की प्रतीक्षा कीजिए। राजा साहब और हम सब आप लोगों के दर्द और आक्रोश को समझते हैं। अगर आप सब ने अपनी महारानी साहिब को खोया है, तो हमने भी हमारी बहन और राजा साहब ने अपनी माँ को खोया है। हमारे न्यायप्रिय राजा दोषी को उचित दंड अवश्य देंगे। आप सब शांत रहिए। आपको यहां पर सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप ही बताइए कि इस अपराध का क्या दंड होना चाहिए। मृत्यु दंड, क्योंकि हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। दया कीजिए महाराज। दया कीजिए। इसे मृत्यु दंड मिले। सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं।
और आज ही इन्हें सबके सामने फांसी दी जाएगी। कुछ तो करो, बचा लो मेरी दीदी को। हमें क्षमा करना तारा, राजा साहब ने अपना निर्णय सुना दिया, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु का डर नहीं है अदरा, डर तो इस बात का है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ऐसे अस्तित्व के हिसाब से कौन बचाएगा। हम जानते हैं तुम अधिराज के बिना नहीं रह सकती, चिंता मत करो, बहुत जल्द हम अधिराज को भी तुम्हारे पास भेज देंगे। राजा साहिब, मृत्यु को गले लगाने से पहले मैं आखिरी बार आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक वचन दिया था। कौन सा वचन? वो वचन जो आपने महाशिवरात्रि के अवसर पर मुझे दिया था, जब मैंने आपकी जान उस जादू यजगर से बचाई थी। शायद आप वो वचन भूल गए हैं। हम हमारी पत्नी सुनैना को एक उपहार देना चाहते हैं, वो जो चाहे वो मांग सकती। वचन दीजिए मुझे, जब सही समय आएगा तब आप कोई उपहार देने से मना नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं। हम कुछ नहीं भूले, राजवंशी वचन निभाते हैं, भूलते नहीं। तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझे मनचाहा उपहार मांगने का वचन दिया था। हाँ, तुम वो उपहार हमसे मांग सकती हो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा समझकर वो उपहार तुम्हें सौंप देंगे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? क्षमादान, क्षमादान दीजिए राजा साहिब, मुझे मृत्यु दान मत दीजिए। वो
राजवंशी अपनी जान देकर भी अपने वचन का पालन करते हैं, यही कहा था ना आपने? राजा साहब, रानी सुनैना सही कह रही, और वैसे भी वो आपकी पत्नी है तो नियम और कानून में का बदलाव करना कोई अपराध नहीं होता। दोषी को दंड देना एक राजा का कर्तव्य होता है, और वचन निभाना राजवंशी का धर्म। और आज हम इन्हीं दोनों बातों को सोचते हुए और अपने वचन को निभाते हुए दोषी को मृत्यु दंड से आजाद करते हैं। और उसे देश निकाले की सजा देते हैं। अर्थात दोषी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे राज्य से चले जाना होगा। किंतु तुम्हें कुछ ही क्षणों में यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। धन्यवाद राजा साहिब। प्रार्थना सुन ली, सुनैना अधिराज के जीवन से दूर जा रही, अब हमारे लिए अधिराज को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुझे राजा साहिब के निर्णय का सम्मान करना होगा, उनकी पत्नी होने का दर्द और प्रजा होने का कर्तव्य निभाना होगा। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, हम आज रात ही अधिराज को खत्म करके अपना सपना पूरा कर देंगे।